आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है। 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस आर अलाउड टू एक्सपैंड फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 10 dm³ टू 2 m³ एट 300 K अगेंस्ट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 101.325 kPa। कैलकुलेट दी वर्क डन। और यहाँ पे 4 options गिवन है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट डेटा गिवन है, हम उसे नोट करते हैं। तो यहाँ पे तो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो गिवन है वो है कि जो वर्क डन हुआ है वो अगेंस्ट अ कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हुआ है। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये पूरा 300 K पे हुआ है, तो मतलब ये आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर कुछ और भी डेटा गिवन है, उसे भी हम लोग नोट करते हैं कि जो इनिशियल वॉल्यूम है V1 वो है 10 dm³ के बराबर, और जो फाइनल वॉल्यूम है V2 ये है 2 m³ के बराबर, ठीक है। और ये बात हम लोग जानते हैं कि जो 1 m³ होता है वो बराबर होता है 10³ dm³ के, ठीक है। तो यहाँ से 10 dm³ बराबर होगा 10⁻² m³ के, ठीक है। अब यहाँ पे एक और जो आखिरी इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है कि जो प्रेशर है जिसके अगेंस्ट पूरा वर्क डन हुआ है, मतलब पी एक्सटर्नल, वो है 101.325 kPa एंड नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, ठीक है। तो जो अब हमें इसका वर्क डन निकालना है, तो एक फॉर्मूला जो सबसे पहले दिमाग में आता है आइसोथर्मल सुनते ही, वो होता है -nRT ln V2/V1, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूला को हमें यहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ये बिल्कुल गलत फॉर्मूला हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे जो हम वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे वो एक जनरल फॉर्मूला होगा, हर इरिवर्सिबल प्रोसेस में काम आता है, जो कि होता है -P external ∆V, मतलब V2 - V1, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें सारे के सारे वैल्यूज़ क्वेश्चन में ही गिवन है। तो यहाँ पे प्रेशर है 101.325 kPa, ठीक है। तो किलो पास्कल गिवन है, तो ये जो आएगा ये किलो जूल में ही हमारा आंसर आएगा। जो हमारा V2 है ये है 2 m³, और जो V1 है ये है 10⁻², मतलब 1/100 m³, और जो पूरा एनर्जी है ये किलो जूल में, ठीक है। तो जो वर्क हो जाएगा ये होगा -101.325 × 199/100 kJ, ठीक है। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा वर्क इज इक्वल टू -201.636 kJ, ठीक है। तो यही इस प्रोसेस का पूरा वर्क। अभी हमें इसे सिर्फ ऑप्शन से मिला लेना है। तो हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन ए है वो है -201.6 kJ, मतलब हमने जो आंसर निकाला हमने इसे और डेसिमल प्लेसेस तक निकाला, मतलब हमारा आंसर इससे और ज़्यादा प्रिसाइज है। तो इससे जो नियरेस्ट है वो है ए, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 million से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।